Hey guys, it's Ali again. आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया की एक सिटी है उसके वेदर के मुताल्लिक। आमतौर पर हमारे जहनों में एज ए एशियन एक मिसकॉन्सेप्ट है कि रशिया में बहुत सर्दी होती है, वहाँ पे हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से गुजारा करेंगे इतनी सर्दी में। तो इस वीडियो में मैं आज आपको इस सिटी के बारे में फैक्ट बताना चाहता हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग रशियन सिटी जो है ये गल्फ ऑफ फिनलैंड के करीब वाक़ है, इसलिए यहाँ पे सर्दी होती है। आमतौर पर यहाँ पे जनवरी और फरवरी का जो महीना है, बहुत जनवरी और फरवरी के महीने में काफ़ी सर्दी होती है। यानी कुछ दिन तो आप ये महसूस करते हैं कि यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो -20 तक भी चला जाता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता। ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि 6 से 7 दिन तक ये दर्जा हरारत रहता है। उसके बाद आमतौर पे पूरे 2 महीनों में जो टेम्परेचर है वो -10 के अंदर ही रहता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग का बहुत आला और बहुत बेहतरीन निज़ाम है। यानी आप यूनिवर्सिटी में, बसेस में, रेस्टोरेंट में और मेट्रो में आपको तो ये महसूस ही नहीं होता कि बाहर सर्दी कितनी है। आप यहाँ पे जब आप अंदर बैठे हुए होते हैं तो आप एकदम कैजुअल अपने ड्रेस में आप बैठ सकते हैं, कोई मसले की इसमें बात नहीं है। और यहाँ का निज़ाम इतना बेहतरीन है कि यहाँ पे छोटी से छोटी जो भी शॉप होती है, छोटी से छोटी शॉप में भी हीटिंग का निज़ाम बहुत मेयारी है, बहुत मॉडर्न है। तो यहाँ पर आपको कोई महसूस ही नहीं होती कि बाहर सर्दी कितनी है। और सेकेंडली बात यह है कि आपको सर्दी तो उस वक्त लगेगी जब आप बाहर जाएंगे, जब आप सड़क पर जाएंगे। तो यहाँ पे अमूमन आप कितनी देर के लिए बाहर जाएंगे? अगर आप बाहर जाना भी चाहते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह कवर करके जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई मसला नहीं। और यहाँ पे मौसम के लिहाज से आपको कपड़े और चीज़ें जो हैं बहुत ही मयारी चीज़ें आपको बहुत मुनासिब रेट पर आराम से मिल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, चाहे यहाँ का विंटर हो या समर हो, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। और अगर आप यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन के साथ यहाँ का वेदर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ribttes.com से आप ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे दुनिया भर से, ख़ास तौर से यूरोप से, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ, ख़ास तौर पर यहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए, सर्दी हो या गर्मी। और यहाँ की गर्मियों की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत मशहूर है, उसे बोलते हैं वाइट नाइट्स। जी, वाइट नाइट्स का मतलब ये है कि 24 आवर्स, 24 घंटे आप रोशनी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अंधेरा बिल्कुल महसूस नहीं होता। और ये जुलाई का महीना होता है, तो ये बहुत यूनिक है, जो आपको हर पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसमें रशिया में आपको ये चीज़ मिल सकती है सेंट पीटर्सबर्ग में जुलाई के महीने में। अगर आप यहाँ का यूनिक वेदर एंजॉय करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के साथ, तो ये आप एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो काइंडली आप रब्ता कर सकते हैं ribttes.com से। और मेरी आने वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा। शुक्रिया।